हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है VIIIC चैनल में। अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। दोस्तों, काफ़ी समय से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे जो पात्र अभ्यर्थी हैं, कई सारे आंदोलन किए उन्होंने, उसके बाद भी अभी तक कोई भी पॉजिटिव न्यूज सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, अब इन्होंने जो दूर संचार कंपनी हैं उनसे गुहार लगाई है कि वो शिक्षक भर्ती के लिए ऐसी रिंगटोन बनाए जो कि मामा जी के कानों में पड़े और तुरंत वो आदेश निकाल दें कि शिक्षक भर्ती की कार्यवाही पुनः स्टार्ट कर दी जाए। तो दोस्तों, हमारे अभ्यर्थी ने बात की एयरटेल कंपनी में, और भी कई अभ्यर्थी हैं जो कि कई सारी कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और भी अन्य दूरसंचार कंपनियों की मदद ले सकती हैं। तो दोस्तों, सुनिए उनका जवाब कि क्या कहा कंपनियों ने जब उनसे बात की गई रिंग टोन बनाया जाए शिक्षक भर्ती का। तो सुने वो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग। नमस्कार, मैं एयरटेल डीटीएच की ओर से शैली बात कर रही हूँ। रवि जी से बात हो रही है? हो रही है। जी बात कर रहे हैं सर आप? रवि जी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं रवि जी बोल रहा हूँ। जी सर, ये एयरटेल डीटीएच के रिगार्डिंग कॉल की गई है। सर्विस कॉल है आपके रिचार्ज रिमाइंडर के लिए। जैसा कि सर अभी मैं चेक कर पा रही हूँ, आपका रिचार्ज कल खत्म होने वाला है और आपका जो मंथली पैकेज है वो आपका 352 रुपीज का है, 352 का, राइट? इसलिए सर एयरटेल आपके लिए कुछ खास ऑफर लेकर आए जिसमें आप 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का रिचार्ज करा सकते हैं और अपने मंथली रिचार्ज पर 5% से ज्यादा की बचत कर पाएंगे। तो क्या आप अपना बेस्ट ऑफर जानना चाहेंगे सर? क्या करूँगा मैडम ऑफर जानकर मैं? सर देखिए, आप रिचार्ज कराते हैं हर मंथ, तो उसमें आपको क्या होता है, आपका अगर नहीं तो आप मेरी बात तो समझिए, मैं रिचार्ज करा कर क्या करूँगा, सेटअप बॉक्स ही है बस। आप टीवी यूज नहीं कर रहे हैं? टीवी फोड़ तो दी मैडम जी, टीवी फोड़ दी ना। ओके, तो आप यूज नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपके फैमिली मेंबर्स भी कोई कनेक्शन नहीं? यूज तो मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन वो फूट गई ना, दिक्कत तो ये है ना। ओके, माफी चाहूंगी सर। जब आपका टीवी रिपेयर हो जाए तब आप इसको? वो नहीं होगा रिपेयर, मैंने बहुत बुरे तरीके से फोड़ दिया, सरकार का गुस्सा टीवी पे निकाल दिया मैंने, हमारी ज्वाइनिंग नहीं कर रही सरकार शिक्षक भर्ती है, हमारी ज्वाइनिंग थी, कोरोना का बहाना बना रही है सरकार। तो अब वो टीवी पर निकलेगा ना गुस्सा, हमारी ज्वाइनिंग होना है ना, हम चयनिंग शिक्षक है। अब टीवी का टीवी पर निकल गया ना सरकार का गुस्सा, वैसे भेजो बेरोजगार है, वैसे भी परेशान है और परेशान हुआ है। अब आप रिंग टोन डाल दो कुछ मोबाइल वगैरह में तो सरकार को पता चले, जैसे वो COVID-19 चल रही है रिंग टोन पहले तो ऐसे बजने लगे थी, चैनिक से परेशान है सरकार, उन पर ध्यान दो, ऐसा कुछ करके आप कुछ रिंग टोन वगैरह डाल सकती हो क्या मैडम, तो हमारे जो मामा जी हैं उन तक पहुँचे हमारी बात। शिवराज सिंह चौहान, माफी चाहूंगी सर, ये आपको सर्विस लाइन कॉल की गई है, सर्विस लाइन से हम प्लस आपको ये रिचार्ज रिमाइंडर के लिए कॉल की गई है, यहाँ से आपकी रिचार्ज के रिलेटेड तो कंपनी का अपने ग्राहकों का, अगर ग्राहक कोई ग्राहक की समस्या है तो एक कंपनी की उसमें नहीं आती क्या? नहीं नहीं बिल्कुल आती है, लेकिन आपकी जो समस्या है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है वो आपके एयरटेल डीटीएच रिगार्डिंग हो तो ही आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, अदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका रिजोल्यूशन भी तो नहीं दिखा रहे ना टीवी में कुछ हमारी समस्याओं को, वो तो बस एक ही चल रहा है, रिया 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 नौकरिया, कोई नहीं बता रहा नौकरियों के बारे में। माफी चाहूंगी सर, आपको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, आपके घर पे प्रॉब्लम है इसके लिए माफी चाहूंगी। प्रॉब्लम नहीं है मैडम, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है क्योंकि सरकार ने हमको बहुत परेशान कर दिया। आप कुछ कर सकते हो तो बताओ, पहले तो मैं डलवा लूंगा दूसरी टीवी, जब ज्वाइनिंग हो जाएगी दूसरी टीवी ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप कुछ कर सकते हो मामा तक हमारी बात पहुंचा सकते हो क्या? हेलो सर, माफी चाहूंगी। तो आप क्या कर रहे हैं बताओ, कोई ऑफर ऐसा नहीं है जो सरकार तक पहुंचे, हमारे लिए कोई ऑफर है ऐसा कोई? माफी चाहूंगी सर, ऐसा कोई ऑफर नहीं है, आपके रिचार्ज रिमाइंडर के लिए ही ऑफर दिया गया था।
जब आपका टीवी ठीक हो जाए, आप जब कंटिन्यू करें तो आप 1-2-1-5-0 पर कॉन्टेक्ट करके इसकी जानकारी दे सकते हैं आगे कि आपको क्या ऑफर प्रोवाइड हो रहा है। ओके सर, ओके, टिकट को खरीदते वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद कदम। तो दोस्तों, अब किसी को भी टीवी और अपने घरों के सामान फोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी रिंगटोन बनने वाली है जो कि बनाएंगी दूरसंचार कंपनियां, और अब शीघ्र ही सभी कैंडिडेट्स की भर्ती हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आगे क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।